हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में कितना फर्जीवाड़ा हुआ। आप हर ज़िला में देखते होंगे कि कोई गलत आरक्षण लेकर टीचर बन गया। अदर स्टेट का ही ज़्यादा मामला है। अभी अतुल प्रसाद कैसे कैसे सबका अथी किए, आप सुनते होंगे कि कोई सीटेट में फेल है, स्टेट में फेल है, सब टीचर बन गया है। अब देखिए ये सब क्या होगा, यहाँ का जब सिस्टम में बेकार चल रहा है, पता नहीं कैसे वेरिफिकेशन किया गया। यहाँ चूल काटा था सबको कि जो काम 5 महीना 6 महीना में होना चाहिए वो काम आई 15 दिन में किया, तो यही सब ना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, अभी तक कागज़ का जांच नहीं हुआ। अब देखिए लिखा है BPSC 5 4 शिक्षक आरक्षण का गलत लाभ लेकर हो गए थे बहाल, जाएगी नौकरी। और नौकरी जाएगा तो उससे क्या होगा बिहार के स्टूडेंट का। ज़िले में अब तक BPSC पास 50 शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच में मिला है फर्जीवाड़ा। आप देखिए अच्छा से जांच होगा ना, तो हम तो कहते हैं यूपी वाला का मैक्सिमम डिग्री, मतलब यूपी हो गया अदर स्टेट जो भी है उसका डिग्री, क्योंकि अदर स्टेट वाला प्लस टू टीचर जितना बना है मैक्सिमम PG का डिग्री फर्जी लिया है। अब बिहार में नहीं सुने होंगे कि फर्जी डिग्री बहुत न के बराबर मिलता होगा, लेकिन आप आउट ऑफ बिहार चल जाइए, आपको PG का डिग्री चाहिए बैक सेशन में मिल जाएगा। आपको यदि का BEd का मांग चाहिए, DLED का चाहिए, MEd का चाहिए, इस सब का जांच कब होगा? इस सब का जांच होगा तो कितना फर्जी निकलेगा। अभी तो ऊपर से खाली कागज़ का जांच हो रहा है कि कोई बिहार का मतलब आवासीय बनवा लिया है, यूपी में राशन ले रहा है, बताइए ऐसा ऐसा आदमी सब है। अभी सब पर क्या होना चाहिए तो देख लीजिए। BPSC पास 4 शिक्षक आरक्षण का गलत लाभ लेकर, और सबसे ज़्यादा आप कहीं का टीचर बहाली देख लीजिए, कोई धांधली ना, पकड़ाता था कि पिटवो करता है वहीं। यहाँ पर 3 दिन इज्जत सबका स्पष्टीकरण देने के लिए बोला जा रहा है, अब उस पर क्या कार्रवाई होगा ये भी तो बताइए, क्या कार्रवाई कीजिएगा। अभी जांच भी ठीक से सभी जिला का नहीं हुआ है। अभी तक कितना कंप्यूटर साइंस का फर्जी डिग्री ले लेकर सब जॉब कर रहा है, अब ये सब कब समझ आएगा बिहार सरकार को, वो तो भगवान जाने। और शिक्षा विभाग जहाँ यहाँ का जो शिक्षा विभाग है कब ये चीज़ समझेगा कि कैसे मतलब ये सबको नौकरी जाएगा या जो भी चीज़ है, ये चीज़ उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि कैसे क्या सिस्टम करेंगे। तो जितना भी टीचर जो फर्जी निकल रहा है उन सबको तो सबसे पहले यहाँ पर बैन कर देना चाहिए कि यहाँ के टीचर बहाली में आप शामिल नहीं होगा। जितना पैसा लिया उस सब पैसा ब्याज जोड़ के सुनना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि संघर्ष पर FIR दर्ज होना चाहिए कि आप गलत प्रमाण पत्र देकर गए हुए हैं। कितना फर्जी है, अभी तो सब RTI लगा लगा के सब जांच कर रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कि कितना को बहाली किए, यूपी वाला का ज़्यादा कैसे हो गया, आरक्षण उन लोग का है नहीं, तो ये सब को जांच होना चाहिए कैसे कैसे रिजल्ट दिया, कैसे क्या किया। इनमें तो शिक्षा विभाग और आपका BPSC दोनों संगीत है, कैसे कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे सेटिंग हुआ, ये सब चीज़ सोचना चाहिए। हम तो जहिया से वीडियो बना रहे हैं इस फर्जी वाला सबसे, मतलब समझिए कि 1000 टीचर प्लस का था सिर्फ सीटेट में फेल था, और सब राज्य जिला का भी नहीं हुआ है, समझे कितना तो रिजाइन दे के भाग गया होगा, कितना डरे अपना कागज़ ही जमा नहीं करवाए। बहुत सारा यहाँ है, बहुत बड़ा सेटिंगों हो जाता होगा भीतरे भीतर, तो बहुत सारा सिस्टम यहाँ का अथी है, क्या कीजिएगा। तब देखिए रोज़ पकड़ा रहा है टीचर, रोज़ कुछ ना कुछ धपा रहा है। एकदम लिखा हुआ है कि बिहार का निवास प्रमाण पत्र है, घर उसका झारखंड में दिया हुआ है, पता है झारखंड का है, ये सब स्थिति है।